हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन लेक्सेम एंड टोकन। तो हमने जब लेक्सिकल एनालिसिस वाला फेज डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि वो कैरेक्टर्स को लेता है, टोकन्स को एज एन आउटपुट देता है। तो हमने लेक्सेम वाले टर्म को भी डिस्कस किया था कि लेक्सेम्स जो होंगे उनको हम काउंट करेंगे। तो वी विल सी कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लेक्सेम एंड टोकन। तो यू कैन सी कि जो एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है जो सोर्स कोड में लिखा हुआ है उसे हम लेक्सेम बोलते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपका इंट एक्स इक्वल टू फाइव है, इंट एक्स इक्वल टू फाइव है, तो हर एक कैरेक्टर को हम काउंट करेंगे। दिस इज वन लेक्सेम, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लेक्सेम्स। तो हर एक जो हमारा एक्चुअल में सोर्स कोड के अंदर कैरेक्टर लिखा हुआ है उसको हम लेक्सेम्स बोलेंगे। लेकिन वॉट इज अ टोकन? टोकन है कि हम इनको ऑलरेडी आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन से टाइप का टोकन है, जैसे कीवर्ड है या आइडेंटिफायर है, ऑपरेटर है। जैसे इंट है वो एक कीवर्ड है, एक्स है वो एक आइडेंटिफायर है, इक्वल टू है वो यहाँ पे एक ऑपरेटर है, और फाइव है वो एक कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हम जो आपकी लेक्सेम्स हैं उनको नेम देंगे कि वो किस टाइप का टोकन है, देन दैट विल बी आर उसको हम बोलेंगे टोकन्स, हम टोकन्स के रूप में से काउंट कर रहे हैं। तो सेम थिंग है, जस्ट आप उसका टाइप बता रहे हो, देन दैट इज टोकन। और अगर आप उसको जैसा सोर्स कोड में लिखा हुआ है वैसा काउंट कर रहे हो, देन दैट कैरेक्टर इज कॉल्ड लेक्सेम, ठीक है। सो इसका नेचर क्या होता है कि आपका जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, टेक्स्ट है, दैट इज लेक्सेम इटसेल्फ। और जो हमारा लेक्सेम्स का मीनिंग है उसकी एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन को हम बोल रहे हैं टोकन, राइट। अगेन, इसका जो रोल होता है कंपाइलर में, आप लेक्सिकल एनालाइजर जो होता है वो लेक्सेम्स को आइडेंटिफाई कर लेगा एज अ मैच फॉर अ टोकन, ठीक है। और जो हमारे टोकन हैं उन्हें हमारा पार्सर यूज करेगा लेटर फेजेस में फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो जो भी हमारा सोर्स कोड होगा उसके अंदर ये जितने भी आपके कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं इनको लेक्सिकल एनालाइजर फर्स्ट फेज ऑफ द कंपाइलर वो आइडेंटिफाई करेगा और देखेगा आई एन टी, लाइक इसको देखेगा कि इज दिस अ काइंड ऑफ अ टोकन। तो जिस काइंड ऑफ टोकन से मैच करेगा ये उसे उसमें नेम कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव कीवर्ड इंट, ठीक है, इस तरीके से। तो ये फर्स्ट फेज हमेशा लेक्सेम को आइडेंटिफाई करेगा, बाकी के जो सारे फेजेस हैं वहां पर टोकन को यूज किया जाएगा फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। मेन फंक्शन क्या होता है, ये रॉ कंटेंट होता है आपका जो कि लेक्सिकल एनालाइजर को प्रोवाइड होगा, देन वो टोकन में कन्वर्ट करेगा, एंड देन कंपाइलर के बाकी फेजेस में आप इसको एनालाइज करोगे, ऑप्टिमाइज करोगे। तो रॉ कंटेंट इज कॉल्ड लेक्सेम, एंड जो टोकन्स हैं वो आपके लेक्सेम्स को हमने कैटेगराइज किया हुआ है जिससे कि हम प्रॉपर सिंटेक्सिंग कर पाए और सिमेंटिक चेकिंग कर पाए कि आपका कीवर्ड है, आइडेंटिफायर को डिफाइन किया गया है, नहीं डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है बिफोर इट्स यूज एंड सो ऑन। तो हम फर्दर फेजेस के अंदर एरर को चेक करना, सिमेंटिक्स को चेक करना, सिंटेक्स को चेक करना, उस सबको चेक करने के लिए हम जो लेक्सेम्स हैं उनको कैटेगराइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टोकन। तो ये हमारा मेन डिफरेंस है लेक्सेम्स एंड टोकन्स के बीच में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू हैव एनी क्वेरी लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।